मेरा टी एस्टेट खरीदना चाहते हैं? अच्छी बात है। हम लोग नहीं, सिर्फ चिंगम सर खरीदना चाहते हैं। भूमिधर जी, हम लोग घूम कर आते हैं, आप एग्रीमेंट पेपर्स लेकर आइए प्लीज। चलो। अच्छा हुआ इस टी एस्टेट से पीछा छुपा, ये लोग नहीं मिलते तो ऐसे ही जमीन छोड़ के भागना पड़ता। अच्छा, ये बात है। अरे एक गड़बड़ हो गई। क्या राज छुपा रहे हो? क्यों यूं ही जमीन छोड़ के भागना पड़ता? सच सच बताओ, वरना इंस्पेक्टर चिंगम को और भी तरीके आते हैं सच को गलवाने के। और चिंगम के चंगुल से बचना ये इम्पॉसिबल है। बोले तो ये इम्पॉसिबल है। अम्मा, ये नारियल मुझे कभी हीरो नहीं बनने देंगे। अरे भाई क्या बताओ, मेरी मजबूरी है, मैं नाम का ही भूमिधर हूँ, लेकिन कुछ ही दिन में भूमि हीर हो जाऊंगा। यहाँ पे मम्मी आती है। अरे आपकी मम्मी आती है तो इसमें डरने वाली कौन सी बात है? मेरी मम्मी नहीं आती है, वो वाली मम्मी आती है, इजिप्ट वाली। मैंने छुप छुप के रात में उसे देखा है, वो रोज रात को निकलती है। अरे ये क्या मजाक कर रहे हो? जरूर कोई आपको नकली मम्मी बन के डरा रहा है। आप चिंता मत करो, हम आज ही रात उसे पकड़ के आपके सामने खड़ा करेंगे। बदलो सब रास्ते, सब पेड़ छान मारे। अब तो चाय बागान का कोना कोना भी देख लिया, लेकिन कोई मम्मी पापा दादा दादी नानी अब तक नजर नहीं आया। कौन है? कोई नहीं है। किसने गिराया मुझे? मम्मी, किसने गिराया मुझे? रिश्ते में हम तुम्हारे पापा लगते हैं, नाम है मम्मी। अरे डायलॉग तो अच्छा है, लेकिन हम डरने वालों में से नहीं। अब जरा अपना गेटअप उतारो और असली चेहरा दिखाओ पापा जी। अरे क्या हुआ, थक गए क्या? चार चार मम्मी। ये तो असली मम्मी है। तुम लोग भी मम्मी बन गए। अरे मेरे दोस्त भी मम्मी बन गए। अब मैं क्या करूँगा, क्या करूँगा? बबल वाली नो, हम मम्मी नहीं, लेकिन ये असली मम्मी पापा जाऊ जाऊ साऊ सब कुछ है। भागो! तरफ नजर रखो, कहीं दिख ना कि वो मम्मी आ ना जाए। अरे उठो, अरे ये क्रो है, क्रो हमको डराता है। चलो भागो यहाँ से, बनाया हमको डराने वाला। तुमने क्रो को भगाया, वो अपने दोस्तों को लेके आ गया हमें मारने के लिए। सॉरी क्रो, सॉरी। स्टॉप द रेवला, तुम्हें कानून के सामने डोंट मार का कर के नहीं छोड़ेंगे। बचा लो मुझे, बचा लो। लगता है आप भी मेरे तरह फंस गए। जरूर आपके पीछे मम्मी के कौवे पड़े होंगे, वो उसके गार्ड्स हैं, दिन में उसे प्रोटेक्ट करते हैं।
वही थे, लेकिन आप कौन हैं और ये सब क्या माजरा है? मेरा नाम आसिफ सेन है, मैं एक आर्कियोलॉजिस्ट हूँ। यहाँ खुदाई कर रहा था तो ये मम्मी निकल आई और जिंदा हो गई। तब से मैं यहाँ कैद हूँ। वो कहता है मैंने भागने की कोशिश की तो मेरे हाथ में काट के मुझे कौवा बना देगा। मैं क्या करूँ? हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। चलो हमें बताओ वो इस समय कहाँ है? वहाँ अंदर सो रही है। कहाँ है? बक्से में। जल्दी से उस बॉक्स को उठा के अच्छे से बांध देंगे, फिर इतनी दूर फेंक देंगे कि कभी वापस ही ना आए। कम ऑन, हे ऊपर वाले, बचा ले, बचा ले रे। अरे पतलू, तुम लोगों ने मुझे अकेला ही भेज दिया। मुझे बातों में समय बर्बाद मत करो, चलो जाओ। ढक्कन खुला छोड़ दो, हवा आती है, नहीं तो गर्मी लगती है। अरे उसकी गोद में ही बैठे रहोगे क्या? सॉरी मिस्टर मम्मी, आई मीन आप असलियत में है कौन? रिश्ते में तो हम तुम्हारे पापा लगते हैं। नाम है मम्मी, यानी कि किंग फैरो, इजिप्ट देश का बादशाह। मैं किंग ऑफ फुरफुरी नगर, सॉरी आई मीन मोटू फ्रॉम फुरफुरी नगर हूँ। मम्मी भैया सॉरी, आपको डिस्टर्ब किया। आप सबको क्यों परेशान कर रहे हो? जहाँ से आए हो वहीं क्यों नहीं चले जाते, प्लीज? अरे तुम लोग मेरी प्रॉब्लम नहीं समझते। मैं पूरी जिंदगी डेजर्ट में रहा हूँ, कभी हरियाली नहीं देखी। यहाँ कैसे आया वो मुझे याद नहीं, लेकिन जब यहाँ मेरी आँख खुली तो चारों तरफ हरियाली देख के मेरा मन खुशी से पागल हो गया। मैं यही रहना चाहता हूँ, बाकी जिंदगी इस हरियाली में बिताना चाहता हूँ। मुझे क्या खुश रहने का हक नहीं है? तुम ही बोलो। मम्मी भैया तुम यही रहो, हम यहाँ किसी को भी आने नहीं देंगे। तुम्हें भी खुश रहने का हक है। हाँ तुम बहुत अच्छे हो, तो लाओ हाथ बढ़ाओ, मैं तुम्हें काट के कौवा बना देता हूँ। तुम लोग मेरी मदद करना। पतलू आओ, सब अपने अपने हाथ सामने करो, इसे हम प्रोटेक्ट करेंगे, इसको भी खुश रहने का हक है रे। तुम्हें कानून की कसम, परत मौत की कसम। पतलू खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, कुछ सोचो ना। अय्या, किंग फैरो को हरियाली चाहिए, हम उसे देंगे। जाओ उसे बुलाओ और उसका स्लीपिंग बॉक्स भी ले आओ, जाओ। ये बहुत लजीज है, हमें ये अच्छी लगी। अब आपको हमेशा हरियाली मिलेगी और ये चाय भी। लीजिए। आप इसमें आराम से सो जाओ, हमेशा चाय की खुशबू भी आपको आती रहेगी और आप हरियाली के बीच में भी रहेंगे। बहुत अच्छा ख्याल है, शुक्रिया मेरे भाई।
मैं चला सोने। मेरे प्यारे कौओ जाओ, तुम्हारा काम खत्म हुआ। उड़ी बाबा, पहले हमें तो ठीक करो। मोटू पतलू जी, थैंक यू वेरी मच। आप चाहे तो ये एस्टेट खरीद सकते हैं, इस पे आपका ही हक है। यह जमीन आपकी है, आपकी ही रहेगी। आप चाहे तो एक एक राउंड चाय और हो जाए, और साथ में समोसे भी मिल जाए तो मजा आ जाए। Ha 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 ha!